हेलो स्टूडेंट्स, SBN कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम DLED सेकेंड ईयर में बुद्धि के टॉपिक को लेकर आगे चल रहे हैं, जिसमें हमने बुद्धि परीक्षा बुद्धि के सिद्धांत कर लिए थे और आज जो हमारा टॉपिक है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण है, यह टॉपिक बच्चे व सीखने नामक बुक में है। यह बुद्धि परीक्षण कहें या मानसिक परीक्षण कहें, क्योंकि बुद्धि मानसिक योग्यताओं का विकसित रूप ही बुद्धि कहलाता है। मानसिक योग्यताओं का विकसित रूप ही क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। तो बुद्धि परीक्षण व मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो केटल ने किया था। केटल ने 1890 में और 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। वहीं बुद्धि परीक्षण कहें या मानसिक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण कहें या मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1890 में RB केटल महोदय ने उपयोग किया था। एक दूसरा शब्द आता है बुद्धि परीक्षण, सॉरी बुद्धि का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो फ्रांसिस गाल्टन ने। बल्कि बुद्धि परीक्षण या मानसिक परीक्षण का उपयोग किसने किया था? RB केटल ने। अब यहाँ पर बात आती है कि यह बुद्धि परीक्षण होता क्या है। तो एक व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं की जाँच करना। अब मानसिक योग्यताओं की जांच किसके आधार पर हो? वास्तविक आयु के आधार पर। तो व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं का पता लगाना उसकी वास्तविक आयु के आधार पर कि उसमें कितनी मानसिक एबिलिटीज है और कितनी नहीं है, उसे ही हम बुद्धि परीक्षण कहते हैं। जैसे वास्तविक आयु जन्म से वर्तमान समय तक की आयु होती है, उसे हम वास्तविक आयु कहते हैं। और मानसिक आयु मस्तिष्क का विकास व्यक्ति का कितना हुआ है, उसे मानसिक आयु कहते हैं। लेकिन उसमें आधार होता है वो वास्तविक आयु होता है। मैं कहूँ MA बटावा CA, CA होता है क्रोनोलॉजिकल एज, या कहें कालानुक्रमिक आयु। और एक होती है मेंटल एज, मानसिक आयु। यहाँ बुद्धि परीक्षण की बात करें तो ये जो कालानुक्रमिक आयु है, कालानुक्रमिक आयु है, इसको इसके आधार पर मानसिक आयु का पता लगाया जाता है। जैसे एक 7 वर्ष का बालक है तो आयु कौन सी हो गई? कालानुक्रमिक आयु हो गई। 10 वर्ष के बालक जितनी मानसिक क्रियाएं कर पाता है तो बालक की मानसिक आयु कितनी हुई? 10 वर्ष। इसका पता लगाने के लिए बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं। किसका पता? मानसिक आयु का। किसके आधार पर? वास्तविक आयु या कालानुक्रमिक आयु के आधार पर पता लगाने के लिए बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं। बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग यूरोप में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? यूरोप में किया गया था 18वीं शताब्दी के मध्य, जिसमें व्यक्ति की, दूसरे शब्दों में कहें, मैंने कहा कालानुक्रमिक आयु या शारीरिक आयु, कालानुक्रमिक आयु को शारीरिक आयु भी कहा जा सकता है। अब यहाँ बात यह आती है कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। हमने बात कर ली बुद्धि परीक्षण क्या होता है, तो अब हम बात करें कि बुद्धि परीक्षण के प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। एक समय में एक व्यक्ति की बुद्धि की जांच की जाती है तो वह बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहलाता है।
और एक समय में दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि की जांच की जाती है तो वह सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। यहाँ ध्यान देना, एक समय में एक व्यक्ति की बुद्धि की जांच करना व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहलाता है और एक समय में दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि की जांच करना सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ये दो पार्ट व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किसके पार्ट हैं? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के पहला कौन सा है? वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बात करें तो एक समय में एक व्यक्ति की भाषा के रूप में बुद्धि की जांच की जाए। वाचिक का मतलब वार्तालाप के रूप में बोलकर प्रश्न पूछे जाएं, प्रश्नों का आदान प्रदान किया जाए और उसके माध्यम से बुद्धि की जांच की जाती है तो वह वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहलाता है। जैसे आपका नाम क्या है, आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो, कैसे करते हो, मैनेज कैसे कर पाते हो, ये क्या कहलाता है? वाचिक बुद्धि परीक्षण। एक व्यक्ति से पूछा जाए कि आप क्या क्या काम करते हो, कॉलेज में पढ़ाते हो, पंचायत में काम करते हो और कहीं काम करते हो, तो ये सब काम कैसे कहलाते हैं? वाचिक। उनसे प्रश्न पूछा जाए और अपनी ज़िंदगी के बारे में हर चीज़ को मैनेज करते हुए बताया जाता है तो वो उसकी मानसिक योग्यता की जांच की जाती है प्रश्नों के माध्यम से, तो वह कहलाता है वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इसे वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, इसमें दो परीक्षणों को शामिल किया गया है। कितने परीक्षणों को? दो परीक्षणों को शामिल किया गया है। पहला बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षणों में सर्वप्रथम किया गया बुद्धि परीक्षण बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कहलाता है। यह बुद्धि परीक्षण 1905 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1905 ईस्वी में किया गया था। दूसरा जो बुद्धि परीक्षण है वह है स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है उसमें बीने मोदे के बुद्धि परीक्षण की सहायता से जो बुद्धि परीक्षण बनाया गया उसे स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण कहते हैं। तो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण व स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण दोनों ही कैसे बुद्धि परीक्षण हैं? वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहलाते हैं। दूसरा है अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इसके अंतर्गत अगर हम लेते हैं तो पहला आता है पोर्टियस का भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण, दूसरा हिंदुस्तान बीने बुद्धि परीक्षण, तीसरा
CH राइस का तो ये हिंदुस्तान विनय बुद्धि परीक्षण ही है, गुड एनफ का मानसिक बुद्धि परीक्षण, चौथा है कोह का ब्लॉक बुद्धि परीक्षण, एक आता है वेस्लर का वैलेवी बुद्धि परीक्षण। ये जो बुद्धि परीक्षण है ये तो अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। एक बुद्धि परीक्षण है वेस्लर का वैलेवी बुद्धि परीक्षण। वेस्लर का वैलेवी बुद्धि परीक्षण है वो वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, वह अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, दोनों में शामिल किया जाता है। इसमें शामिल किया जाता है, दोनों में शामिल किया जाता है। यहाँ चार के अलावा हम कुछ भारतीय जैसे भाटिया का बैटरी बुद्धि परीक्षण, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर महोदय का पास से लॉन्ग बुद्धि परीक्षण। यहाँ तो 6 नंबर का जो आता है वो आता है अलेक्जेंडर का पास ए लॉन्ग बुद्धि परीक्षण, पास ए लॉन्ग बुद्धि परीक्षण किसका? अलेक्जेंडर महोदय का। अलेक्जेंडर महोदय का पासे बिलोंग बुद्धि परीक्षण। ये जो बुद्धि परीक्षण है ये किसके हैं? व्यक्तिगत अवाचिक बुद्धि परीक्षण। अवाचिक बुद्धि परीक्षण उन बुद्धि परीक्षणों को कहा जाता है जिसमें प्रश्नों का उपयोग न करके क्रियात्मक क्रियाओं को ध्यान में रखकर वो कार्य करवाकर कार्यों को संपन्न करते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के ब्लॉकों को जचवाना, लकड़ी के विभिन्न प्रकार के सामानों द्वारा क्रियाएँ करवाना या अन्य क्रियाकलाप संपन्न करवाना, वो कैसे कहलाते हैं? अवाचिक, जिसमें प्रश्नों का उपयोग नहीं होता बल्कि क्रियाकलापों का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए अवाचिक बुद्धि परीक्षण। पहला पोर्टियस का भूलभुलैया बुद्धि परीक्षण, दूसरा हिंदुस्तान विनय बुद्धि परीक्षण, तीसरा गुडेनप का मानसिक बुद्धि परीक्षण, कोह का ब्लॉक बुद्धि परीक्षण, भाटिया का बैटरी बुद्धि परीक्षण और अलेक्जेंडर का पास से लॉन्ग बुद्धि परीक्षण। ये 6 बुद्धि परीक्षण है अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, और एक बुद्धि परीक्षण है जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है लेकिन उसमें वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चन भी हैं और अवाचिक भी, जिसका नाम है वेस्लर का वैलेवी बुद्धि परीक्षण। नाम है वेस्लर का वैलेवी बुद्धि परीक्षण। अब हम बात करते हैं बुद्धि परीक्षणों में जो दूसरा प्रकार है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। वे बुद्धि परीक्षण जिनमें एक समय में दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि की जांच की जाती है वे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि की जांच की जाती है सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वाचिक बुद्धि परीक्षण या कहें कि सामूहिक वाचिक बुद्धि परीक्षण है, दूसरा होता है सामूहिक अवाचिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक का मतलब हमने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक समय में दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि की जांच की जाती है वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण। यहाँ ध्यान देना, एक बार रिट में क्वेश्चन आया हुआ है कि छोटे बच्चों के लिए कौन सा बुद्धि परीक्षण सबसे उपयुक्त है,
तो छोटे बच्चों के लिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण है वो सबसे बेहतरीन है। लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण में वाचिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग छोटे बच्चों के लिए न करके सबसे ज़्यादा उपयोग अवाचिक है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और बोलकर अपने विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो कैसे कर पाते हैं? वे क्रियाकलापों के माध्यम से अपने संपूर्ण व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। वाचिक बुद्धि परीक्षण है उसमें जो पहला है आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण। दूसरा है यहाँ आर्मी सामान्य वर्गीकरण बुद्धि परीक्षण, और ये अवाचिक बुद्धि परीक्षण है कौन से? सामूहिक अवाचिक बुद्धि परीक्षण है, इसमें एक नंबर है आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण, दूसरा है शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो ये संपूर्ण बुद्धि परीक्षण है जिनको हम पढ़ेंगे। इतना वर्गीकरण पढ़ने के बाद में हम केटल की बुद्धि परीक्षण को भी ध्यान रखकर उसको भी संपन्न करेंगे। तो इन जो पढ़ाया हुआ है इस संपूर्ण मैटर का आप स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद में इसको अपने कॉपी में उतारें ताकि एक सही तरीके से आप इसका अध्ययन कर सकें। जब तक कॉपी में नहीं उतारोगे तब तक सही तरीके से आपके याद नहीं होगा। तो आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है, इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। थैंक यू।